वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन को अचानक चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आके वो बेशक इंतहाई बेहतरीन सियासतदान हैं। अपोजिशन घबराई हुई है, तहरीक इंसाफ की तरबियत ऐसी की है वो हर जंग के लिए तैयार है। आजकल MNS के पास ताजिद करने भी जा रहे हैं। चीन 5000 बड़े डैम्स बना चुका है और हमने 1960 में जो डैम बनाए थे हमारे पास सिर्फ वही रह गए। इस कोताही की वजह से हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा। इस्लामाबाद तहरीक अदम एतमाद के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी की CEC का अजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अजलास में सियासी सूरतेहाल पार्टी अमूर पर मशावरत होगी। इत्तेहादी जमातों से राब्तों से मतलब भी फैसला किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर मशावरत होगी। इजलास में अहम फैसले मुतवक्को हैं। दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जमानों का अजलास भी आज तलब कर लिया। इस्लामाबाद ईरानी वजीर दाखिला डॉक्टर अहमद वाहिदी अपने पहले दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर दाखिला शेख रशीद और पाकिस्तान में ईरानी सफीर ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी वजीर दाखिला डॉक्टर अहमद वाहिदी इस्तकबाल किया। डॉक्टर अहमद वाहिदी हम मनसब शेख रशीद से मुलाकात करेंगे जिसमें निस्तांद दहशतगर्दी, सरहदी इंतजाम, कैदियों के तबादले समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी वजीर दाखिला डॉक्टर अहमद वाहिदी वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करेंगे। हुकूमत ने हाउसिंग स्कीम पर आय शरह सूद कम कर दी। हुकूमत ने 5 साल मुदत के कर्ज पर शरह 2%, 10 साल मुदत के कर्ज पर शरह 4% और 15 साल मुदत के कर्ज पर 2.5% कर दी गई। इसका इतलाक भी हो गया। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को सर्कुलर जारी कर दिया। आज से नई पॉलिसी का इतलाक कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेज की शरह 5.62% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटे के दौरान 2662 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए जबकि 29 अफराद चांद की भांसी हार के। वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 29,801 हो गई। कोरोना के 2662 नए केसेज रिपोर्ट हुए जबकि केसेज मुस्बत आने की शरह 5.62% रही।